दुकान आपने पूछे हैं। लेजेंड कौन है दिखाओ मुझे। गुड मॉर्निंग, नमस्ते, हर हर महादेव, सबको हैप्पी स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज है 15 अगस्त और हम लोग, मैं रेडी हो रही हूँ और रेडी हो के हम लोग कहाँ जाने वाले हैं मैं आपको आगे बताती हूँ। पहले तो हम हस्बैंड के ऑफिस जाएंगे और उसके बाद हम लोग कहीं और भी जाने वाले हैं, वो मैं आपको वीडियो में बताऊँगी। अभी पहले मेरी चोटी अच्छे से नहीं बन रही है, विवान को उठा दो और ब्लेस यू, उठाओ उसको। दिगरी दिगरी दाग 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 दिगरी जाने हैं जाने हैं भाई, इसको बैठ दो, इसको बैठ दो, रोना नहीं है, कोई नहीं रोएगा। हम लोग जा रहे हैं 15 अगस्त है तो हम लोग जा रहे हैं हस्बैंड के ऑफिस। क्यों गुस्सा है? और उसके बाद हम लोग जाएंगे बेल्लारी, मैं शॉपिंग करूंगी, हस्बैंड देखेंगे स्त्री टू। आ जा बीबी, रानी राम कपड़े गंदे कर लेना, विवान आपने पूछे हैं। हैप्पी ये दिन जो होता है ना बहुत स्पेशल होता है। आप सड़कों पे देखोगे, स्कूल में देखोगे, आपको फील ही डिफरेंट आता है। ये सबसे अच्छा दिन होता है, ऐसा थोड़ा होता है। ये जो आप दादाजी देख रहे हैं ये 81 इनकी डेट ऑफ बर्थ है और ये आज़ादी के टाइम के हैं। और आई डोंट नो ये यहाँ पे इन लोगों ने कहीं आसपास शायद आई थिंक रहते हैं कुछ है, बट ये आज़ादी के टाइम पे है और उनको वहाँ तब की बातें सब याद है अभी तक। आज थोड़ा ठीक हुआ है मौसम, दो दिन से तो हालत खराब थी बहुत ज़्यादा। तब भी देना पूरी, हम भी 73 वाले को मिलाएंगे, देख के आप कह ही नहीं सकोगे। आ रहे हैं हमारे भी संडे को, अच्छा ससुर जी आ रहे हैं ना। ये विजिलेंस वाला क्यों आया जी बीच में, घोटी और चार्ज कर मार घोटी अब विजिलेंस वाला विवान नो सिक्योरिटी के लिए आया। तो ये कितनी प्यारी सी रंगोली बनाई है और ऊपर देखो सर कितना सुंदर सा बनाया हुआ, मेरे को बड़ा प्यारा लग रहा है। और ये रहा सामने थोड़ा अच्छा अच्छा सा व्यू। और हम चल पड़े हैं अब बेल्लारी क्योंकि हस्बैंड को देखनी है मूवी। और ये रहा विवान और बहुत अच्छे अच्छे गाने चल रहे हैं आज, तो पूरा देशभक्ति के गाने चल रहे हैं। और विवान को सुनना है गाना, कौन सा, लहरा दो वाला गाना वो सुनना है। वो हर बार वही जिद कर रहा है कि मम्मी लहरा दो वही लगाओ, कंटिन्यूटली में वही गाना चला हुआ है।
तो थोड़ी आज गर्मी भी है, पता नहीं हम लोग कैसे कैसे धूप का अच्छे से मुझे मज़ा लगने वाला है, मुझे तो ऐसा लग रहा है। हस्बैंड तो चले जाएंगे मूवी देखने, तो मुझे उनके फ्रेंड के घर जाना है, और हस्बैंड ने ना ऑफिस के आसपास ही उन्होंने मतलब रूम पे ही अंदर वहाँ पे टी शर्ट अपनी चेंज कर ली थी। बोलते मैं ये टी शर्ट पहन के नहीं जाऊँगा, मैं स्वतंत्रता दिवस वाली टी शर्ट पहन के जाऊँगा। इनके ये टी शर्ट पहनने को आती नहीं थी, बट अब इतना फिट हो गया कि उनको ये टी शर्ट आ रही है। हम लोग अभी बेल्लारी पहुँचे हैं और ना हस्बैंड जाएंगे मूवी देखने स्त्री टू, और मैं जाऊँगी शॉपिंग करने, और इनके सो आ गई अदिति आ गई। ओ माय गॉड अदिति आ गई एवरीवन। अब देखते सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट कौन है, दिखाओ मुझे। कैट का है, कैट कैट क्या कर रहे हो बुबू? अगर सही करने 200 चो स्कूल बच्चन के ना बोखे हो सो में थैला है दाल तो ये रूम में रख दाल और रूम का के लिए नेट ना देखो तो ये दोने का रहे तो चलो चलो जा रहे हैं अब हम लोग। चलो मैं दो सिलेंडर है बोल को बड़ा के डाल को ये वाटर में डाला। ओके ओके ठीक है चलो वाटर में आएंगे हम। बोला आपके साथ, आपके साथ जाएंगे वो, आपके साथ जाएंगे। इसको तो ले चलो जहाँ मर्जी, ये रेडी है। हाँ हाँ अच्छा। पहली शॉप पे हम लोग गए और मुझे ना यहाँ पे साड़ी पसंद नहीं आई, एक तो कॉस्टली भी थी और थोड़ा ठीक से नहीं, इनको भी अच्छी नहीं लगी, तो मुझे भी कुछ ज़्यादा पसंद नहीं आई। धूप लग रही है बहुत ज़्यादा, धूप और धूप चलो बीबी 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 इधर आओ, बीबी इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ मेरे पास आओ। चलो 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 चलो, हम लोग एक्चुअली साड़ी देखने आए हैं इधर, और विवान है ना बड़ा, अब मासी के पास चलो, मासी के पास चलो, तो मासी के पास जाना, मैं मासी के पास कौन सा ये मेरे पास इस तरह की है एक साड़ी, हाँ है मेरे पास इस तरह की। विवान ये वाली कैसी विवान? हाँ दिखाते कभी हम लोग ले, ब्लाउज आई थिंक सिंपल ही होगा इसका, हम लोग ओपन करके चलाना है। देखो वो यहाँ से, देखो यहाँ पे विवान इधर आओ, एक ये भी है देखो, ये वाला भी, ये भी है अकेले। ये कितना, ये कितना 1700 ना, एक 1500 2 1500। ये कितने की है? बड़ी हल्की है बट ये कितनी होगी देखो, अच्छी नहीं है दादी, बड़ी सुंदर लग रहा है ना, 17 में 3 अच्छा लग रहा है ना ये। ये बाल क्या कर रहा है?
अच्छा लग रहा है मेरे को, बड़ी सेल देख के तो मेरे को इतनी कंफ्यूज होगी कि कौन सी साड़ी लूँ और कौन सी साड़ी नहीं लूँ। बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन से साड़ी है। आप एक मिनट मैं देखती हूँ, तो ऐसे मिरर में बहुत सारी साड़ियाँ यार, समझ नहीं आ रहा कौन सी लूँ और कौन सी ना लूँ। कलर भी अच्छे अच्छे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, इसमें कलर होता है। कॉटन भी, हाँ जी यहाँ एक वो पसंद आई ना जी। दूसरा कौन सा? ये देखो, ये थे पहला ओपन करेंगे, ये है ये रहने दो, ये भी रहने दो, इन इन दोनों में से एक कलर दे, एक खोल के देख लेते हैं। वो देखो ना, आप देखो ना, हाँ ये अच्छा, ये कितने के कितने के तारे? 1300 की। कॉफ़ी कलर ज़्यादा अच्छा लग रहा है, ये दो इन एक एक लेनी है ना, मैंने रखेंगे वहाँ पे ठीक है। इतनी सारी शॉपिंग हो रही साड़ी 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 13 का रेट है 13 की साड़ी। यहाँ पे ना दूसरी जॉर्जेट में भी एक्चुअली साड़ी, जॉर्जेट में हम देखोगे ना तो जॉर्जेट में भी साड़ी मिलेगी, बट ये मैं ले नहीं रही हूँ अभी, जॉर्जेट में भी इतना वो लगेगा नहीं। मैंने ब्लाउज भी है यहाँ पे, मैंने 3-4 साड़ी पसंद की। कहाँ गई मेरी साड़ी? मेरी साड़ी इतने सारे कलर्स देखना साड़ी के, मुझे 3 साड़ियाँ पसंद आई हैं, 3 में से मतलब अगर मुझको देनी होगी तो मेरे को समझ नहीं आ रहा, बट खुद के लिए 3 साड़ियाँ पसंद आई थी ना, जैसे 1800 की 2 ठीक है, 1200 में 2, 2000 में 2, या 1300 में 2, बहुत बड़ा ऑफर चल रहा था, बहुत अच्छी साड़ी मिल रही है, थोड़ी क्वालिटी है ऐसा कुछ नहीं। मेरे को एक साड़ी और पसंद आई है, वो है ये रेड के रेड ब्लाउज के साथ। तो आपको भैया फ़ोन कर रहे हैं, उन्होंने बोला कि कोई सी भी साड़ी ले लो, ऐसा कुछ बोल रहे थे आप, मतलब उनको आपकी दीदी वो आपको बोले नहीं, वो मतलब हस्बैंड से बात की ना मैंने, तो पीछे से बोल रहे थे कि दीदी के लिए कोई भी साड़ी ले लो। मैंने बोला आप आओगे क्या, कुछ आ रहे हैं, वो आ रहे हैं तो अब बुला लो उनको, महंगे में देख लो, अगर देखो रहना पड़ेगा। कुछ क्या साड़ी, ये भी अच्छी थी वैसे तो, अच्छी है देखो, अच्छा है वो भी, कपड़ा भी अच्छा लग रहा है मुझे। हाँ अच्छा है, मैंने बहुत सारी अच्छी साड़ी ले जो मैं देख रही थी पसंदीदा साड़ियाँ, ये देखो 1500 में प्लीज। दीवान चलो बाहर चलो बाहर चलो। और इतनी भीड़ थी यहाँ पे, इतनी भीड़ थी, विवान को संभालना ही बहुत मुश्किल था। यहाँ पे बिलिंग करवाने में ही बहुत समय लग जा रहा है, इतना ज़्यादा समय लग जा रहा है, पूछो मत। पीछे सॉरी औरतें औरतें बड़ी, आज पता नहीं कुछ स्पेशल डे है कि क्या है, मतलब बहुत भीड़ है आज बहुत ज़्यादा। और हम लोग जा रहे हैं वापस, और हस्बैंड भी मूवी उनकी ख़त्म हो गई है, वो आ गए हैं, हम जा रहे हैं स्कूटी पे। और एक जगह हम लोग जब वापस आए और हम लोगों ने कुछ खाना था, हमें भूख लगी थी, पहले वो लोग सब लोग फोर्स कर रहे थे कि घर पे चलो, बट हम घर पे नहीं गए, फिर हमने सोचा घर ही चलते हैं, वही घर पे खाएंगे अपने वाले। तो फिर लास्ट में हमने हस्बैंड का फ्रेंड का एक रेस्टोरेंट है वहीं चले गए, तो वहाँ की अभी स्टार्ट ही हुआ है अभी जस्ट, तो हमने सोचा चलो यहाँ पर कुछ खाते हुए चलते हैं। और यहाँ पर मैंने खाया बर्गर, पर बर्गर इतना टेस्टी इतना अच्छा था, मतलब मैकडी को इसने फेल कर दिया, इतना टेस्टी इतना अच्छा बर्गर था। मैं टेस्ट किया, मैंने कहा यार मैं फिर यहाँ पे कभी ना कभी आऊँगी, क्योंकि बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा था, बहुत टेस्टी था, जिसको खा के ना मतलब 100 to मेरे लिए रिलायंस मार्ट में सामान बहुत ज़्यादा। एंड मैं आपको खोलो ना एक मिनट, खिड़की खोलो ना, मैं दिखाती हूँ जी एस डब्ल्यू में कितना बड़ा फ्लैग,
वो देखो ये मैंने सुबह क्यों नहीं देखा, सुबह भी था क्या, मेरे को दिखा नहीं अच्छे से यार, अब नहीं दिखेगा क्या वो ऊपर वहाँ उधर। बारिश हो रही है बहुत ज़्यादा और हम सामान लेते लेते बहुत ज़्यादा लेट हो गए थे और मैंने सामान ये लिया, साड़ी ली, विवान पीछे सो रहा है एसी में आराम से और हम लोग ऑलमोस्ट घर पहुँचने वाले हैं। GSW, ये भी GSW का ही है। और ये जब बारिश होती है ना यहाँ पे सारा ही मतलब गंदा गंदा सा, मतलब मिट्टी मिट्टी सी हो जाती है सब जगह। तो गाड़ी क्यों नहीं धुल रही है यार, मिट्टी क्यों नहीं जा रही है गाड़ी वाली, सूखा ही है क्या? और मुझे गाड़ी मुझे खुद अपने हाथों से धोनी पड़ेगी, इन हाथों से धोनी पड़ेगी गाड़ी, अब अच्छे से धोनी। सोचा था मैंने आज हम जल्दी पहुँच के मैं गाड़ी अच्छे से धोऊंगी, बट मुझे लगता है मेरी बारिश हो रही है, फिर बारिश खत्म होती फिर मैं अच्छे से गाड़ी को साफ करती हूँ, कल शाम को भी कर सकती हूँ। दिखाती हूँ GSW की बारिश की कल भयानक बारिश। कौन हो गया? ओ माँ, ये कौन उड़ा है? गुंडा तो नहीं है कोई? मैंने वहाँ पे भी एक्चुअली सामान आपको दिख रहा होगा बहुत ज़्यादा गंदा, ऊपर मैंने विवान की बुक लगा रखी है जो मैं बाद में सेट करने वाली, बाद में क्या अभी चले जाना है तो मैं ज़्यादा सेट कर नहीं रही हूँ। अदरवाइज़ मैंने पहले सोचा था कि मैं बॉक्सेस मंगवाऊँगी, इस बॉक्सेस होते हैं जिसमें बुक्स रखते हैं, तो नहीं मंगवाई, इसलिए आपको मैं इसलिए बता रही हूँ कि तो आपको लगे कि बहुत गंदा ना हो पीछे। और आज मैंने आप लोगों को बताया कि मैं शॉपिंग करने गई थी और मैंने बिल्लारी से ली साड़ी और बहुत अच्छे रेट में साड़ी थी, मतलब मुझे लग रहा था ना कि हाँ ठीक है डेली वेयर्स के लिए, नॉर्मली किसी छोटे मोटे फंक्शन के पहनने के लिए बहुत अच्छी थी। तो मैं आपको अपनी साड़ी दिखाने वाली हूँ फाइनली। तो पहली साड़ी मुझे ये वाली सबसे ज़्यादा पसंद, ये वाली सबको पसंद वहाँ पे आई थी, जब मैंने ये कॉफ़ी कलर उठाया था तो एक दो तीन आंटी ने सेम यही मतलब इसी पैटर्न में साड़ी उठाई थी और ये कॉफ़ी कलर लास्ट था, उसके बाद उनको कॉफ़ी कलर मिला नहीं, तो मैंने ये साड़ी जब उठाई तो उन्होंने बोला कि हाँ ये कहाँ से आपने उठाई, ये तो बहुत प्यारा कलर है। तो ये कलर सबसे बेस्ट था और ये मुझे बहुत प्यारा लगा, तो मैंने एक साड़ी ये ली, तीनों साड़ी मैंने अपने लिए ली है, बाकी किसी के लिए नहीं ली है क्योंकि मुझे साड़ी का बहुत 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 ज़्यादा शौक है। तो मैंने एक साड़ी ये ली और ये ना इसमें सबसे अच्छा इसका जो लास्ट का ये बॉर्डर है ना ये वाला, और ये एक्चुअली ये वाली साड़ी जो थी ना ये जो मेरे साथ गए थे ना भाभी उन्होंने पसंद की थी ये वाली, और ये मुझे कलर बड़ा 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 बहुत प्यारा लगा। एक साड़ी ये ठीक है, और इसका जो ब्लाउज़ है ना, ब्लाउज़ मैं दिखाऊँ, इसका ब्लाउज़ आई थिंक इसका ब्लाउज़ पता नहीं कैसा था, मैंने देखा नहीं उस टाइम, इसका ब्लाउज आई थिंक ये है इसका प्लेन में है और वो हल्की सी पट्टी आएगी। तो ये एक्चुअली में जब मैंने इस साड़ी को देखा मुझे इस पर दिल हार गया था और मेरे को बहुत बहुत अच्छी लगी, मैंने मतलब मेरा मन था कि मैं और ले लूँ, बट वहाँ पे एक तो विवान बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था, ऊपर से मुझे बड़ा मुश्किल हो रहा था और मैंने ब्लॉग भी वैसे ही चलते फिरते ऐसे ऐसे बनाया क्योंकि विवान वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ थी तो विवान गुम हो जा रहा था,
तो सेकंड मैंने ना एक साड़ी और ली, वो साड़ी है ये वाली। तो मैंने आपको प्राइस बता रही थी ना कि अब मुझे इसका एग्जैक्ट रेट नहीं पता, इस पर आप देखोगे तो ये जो साड़ी थी ये 1300 की दो थी, ठीक है। ये वाला जो मैं ये वाली दिखा रही हूँ ये 1300 की दो साड़ियाँ थी, ठीक है। ये वाई वन गेट वन वैसे इस तरह का चल रहा था। और ये वाली साड़ी कितने की थी ये मुझे लगा हुआ है कि स्टिकर, ये 2080 की दो थी, ठीक है। 2080 कर लेते हैं तो दो ले सकते थे आप, बट मैंने एक ही लिया, ठीक है। ये तो 2000 की साड़ी वैसे लिखा हो, इसमें 2000 में दो साड़ियाँ ले सकते थे। तो ये है, ये मैंने आपको रेट बताया इसका सेकंड साड़ी का 1300 रुपया है ना, 1300 में दो ले सकते थे, ठीक है। तो ये इतना प्यारा है ना, ये आपको देख के लग रहा होगा कितना प्यारा है ना। तो वहाँ पर ऑफर चल रहा था तो मन किया मैंने, मेरे को वैसे और बहुत मन कर रहा था, मैंने कहा अगर ज़्यादा भी नहीं लेनी है, ज़्यादा खर्चा भी नहीं करना है अभी मुझे। और एक साड़ी मैंने और ली जी, मैं आपको दिखा देती हूँ, बट इसके साथ जो ये वाली, ये आपको शायद फ़ोटो में कैसी लग रही होगी देखो पास से, बट इसका जो ये हल्की हल्की सी कढ़ाई है ना, ये मुझे बड़ी पसंद है, ये मुझे बड़ी पसंद आती है। आपको पता नहीं कैमरे में कैसी लग रही होगी, आई डोंट नो, बट ये मुझे बहुत बहुत ज़्यादा पसंद आई ये वाली साड़ी भी। और ये वाली भी मैंने जब दीदी को दिखाई थी उन्होंने बोला कि हाँ ये बहुत अच्छी लग रही है। इसका जो ब्लाउज़ है वो इस ये वाला है, इसमें हल्का का वर्क किया हुआ है, बट मैंने इसके साथ ना मिसमैचिंग जो ब्लाउज होता है ना वही लेना है, जैसे मैं रेड कलर का या फिर पिंक कलर का, डार्क पिंक कलर का ना उस तरह का ब्लाउज लूँगी। इस ब्लाउज को मैं इसका स्टिच नहीं करवाने वाली, क्योंकि पूरा एक जो मेरी साड़ी है वो इस तरह की साड़ी मेरे पास है, सेम इस तरह की साड़ी, पर कलर डिफरेंट है, आप लोगों ने शायद देखा भी होगा, वो पैरेट कलर की है मेरे पास, सेम ऐसी है, तो मैंने वो सेम सिलवाया। ऐसा नहीं कि अच्छी नहीं लगती, वो पैरेट कलर में वो ज़्यादा अच्छी लगती है, बट ये जो लाइट कलर है इसमें भी नो डाउट कि अच्छी नहीं लगेगी, अच्छी लगेगी, बट मेरा मेरे को उन्होंने भी बताया कि आप थोड़ा मिसमैच करोगे ना तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो उसके बाद मुझे एक चप्पल पसंद आई, वो भी 50% ऑफ पे थी, वो आई थिंक 1500 के कुछ थी, उसके बाद उन्होंने पता नहीं कितने की, उसमें 50% ऑफर था तो उसमें 75% आई थिंक ऑफर था, कि कितना ऑफर था पता मुझे याद भी नहीं अभी, तो जितना भी था। तो वहाँ पे एक तो साइज़ नहीं मुझे मिला ना, एक 700 की मैंने देखी, उसमें भी वो बहुत सुंदर थी, बट उसमें मेरा साइज़ नहीं था, पता नहीं 7 नंबर ही मुझे नहीं आ रहा है, मुझे 7 नंबर आता था, वो 7 नंबर ही मुझे नहीं आ रहा है। तो ये रही मेरी सबसे अच्छी शॉपिंग, इसमें से मुझे 1-2 साड़ियाँ सबसे अच्छी लगी, तीसरी वाली भी अच्छी पर पहन के शायद आई थिंक ज़्यादा अच्छी लगेगी। तो वैसे कलर का अगर आँखों की उसमें देखते तो ये कलर मुझे सबसे 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 ज़्यादा प्यारा लगा है। और आप लोग बताना आपको लोगों को इन तीनों में से कौन सी साड़ी मेरी सबसे अच्छी लगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और सबको हैप्पी स्वतंत्रता दिवस, और स्वतंत्रता दिवस मैंने तो शॉपिंग ही कर ली, और थैंक यू फॉर वॉचिंग, और मिलते हैं विद ए न्यू ब्लॉग। आई होप आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ और बहुत सारी मेमोरीज के साथ। और मेरे बहुत जल्दी और भी ब्लॉग आने वाले हैं, और हम बहुत जल्दी हिमाचल जाने वाले हैं, पता नहीं कब जाने वाले हैं, पर जाने वाले हैं, जब भी जाएंगे देखो कब जाते हैं। वैसे तो ऑलमोस्ट ऐसे सोचते हैं ये हफ्ते में आ जाएगा, उस हफ्ते में आ जाएगा, बट जब भी आएगा हम लोग जाएंगे। थैंक यू सो मच इतना सपोर्ट करने के लिए, थैंक यू, लव यू, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, नमस्ते, जय श्री राम, बाय बाय।